विद्यालय के कोषाचार्य श्री मीनाचार्य जी और विद्यालय के प्रधानाचार्य विद्या की आराम देवी मां सरस्वती हम सबके लिए कहीं न कहीं नई उम्मीद देता हुआ और हम सबको ऐसा कि लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं क्या कारनामा किया हुआ है उनके मुंह से आप लोग सुनेंगे। तो हम चाहते हैं कि विजय पांडे जी आए और उन्होंने जो भी खेल में उपलब्धियां प्राप्त किया हुआ है उनके बारे में बताए और उन भैया को भी सम्मानित करिए। सभी भैया बहन पहले सीधा बैठे कमर सीधी करके खेलकूद प्रतियोगिता 2023-24 34वीं प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता हुई है जिसमें अपने विद्यालय के भैया बहनों ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जो भैया है उनका नाम बोला जाएगा वो आगे आ जाएंगे। आयुष सिंह, विशाल रजक, आगे आइए, अंश कुमार तिवारी, सोनू मिश्रा, मोहम्मद आयान, अतुल यादव, अनुभव बेड़ी, मोहम्मद साहिब इमरुद, ये बालवर के भैया हैं। इन्होंने अपना पहला मैच ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर सिविल लाइन जो पिछली बार खेलो इंडिया खेलों में फाइनल तक खेली है उसको भी इन्होंने पहले ही मैच में 8-40 से हराया है, 40-8 से हराया है। दूसरा मैच इनका माधव ज्ञान के नैनी द्वारा खेला गया जिसमें हाफ टाइम तक अपनी टीम 14-7 से आगे थी लेकिन कुछ परिस्थितियों में बदलाव होने के कारण अपनी टीम दूसरे स्थान पर ही रही। इसके बारे में विस्तार से हमारे विद्यालय के हिंदी के आचार्य जी कुछ शब्द बोलेंगे। आचार्य माँ सरस्वती ब्रह्म स्वरूप ओम और माँ भारती भारत माता, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सुधी आचार्य बंधु, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम पवित्र रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं। यहाँ पर मुझे मंत्र बोलने के लिए बुलाया गया है तो सभी भैया बहने मांगलिक पाठ को सावधान होकर के सुनिए। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्नो विश्वतो तथा सुरवातरीतासुर्भिः देवानो यथा सर्वमिदमिधे असमखायो रक्षितारो दिवे देवानां भद्रा सुमतरिजुयतां देवानाघ्यं शतमुत सेविमादयम्
तेरे बिना तू रहे न तू मेरे बिना मैं रहूं।
रक्षाबंधन का जो पर्व आता है उस पर्व पर गांव से उसका कोई जाता ही नहीं है, कोई भी व्यक्ति उसके यहां नहीं जाता है। उस पर वह अपनी मां को पत्र लिखती है, उस पत्र में वह बताती है, कहती है कि मां मुझके ससुराल के जो ये लोग हैं, मेरी सास है, जो ससुर है, डेली है, डेली प्रत्येक दिन ताला मारती है, तो किन किन बातों को पत्र में जो है बताती है, ये मैं गीत के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं। और एक आप सभी लोगों से अपने आचार्य प्रवर, अपने जितने भी मित्र हैं, जितने भी हमारी बात भैया है, उन सबसे निवेदन है कि जिसकी शादियां हो चुकी उन बहनों के जरूर जाएंगे, ताकि आप लोगों को ताना न सुनना पड़े। कर झक हो नायर मेरा सूरत पानी, कर झक हो नायर मेरा सूरत पानी, के हुई थे नहीं हर का तुहार मेरा सूरत पानी, के खुश होकर बहना मेरी राखी का था।
रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए बैठे हैं, या जो हमारा देश भारतवर्ष है या उत्सवों का देश है, यहाँ प्रत्येक दिन प्रत्येक तिथियों पर कोई न कोई उत्सव किसी न किसी धर्म का मनाया जाता है। तमाम प्रकार के धर्म हमारे देश में, हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसमें तमाम प्रकार के तमाम धर्मों के मानने वाले लोग हैं, अन्य किसी देश में नहीं है। दूसरे देश वाले पूछते हैं यहाँ प्रसन्नता क्यों रहती है, तो वहाँ का सब कारण जानना चाहते थे, यहाँ आकर देखते हैं तो पता चलता है यहाँ तो भाई जब देखो तब त्योहार ही मनाया जाता रहता है, इसीलिए लोग यहाँ अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। तो यह हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में जन्म लिए हैं कि जहाँ प्रत्येक दिन कुछ न कुछ उत्सव होता रहता है, हम उससे उत्साहित होते रहते हैं, कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। यह भी है इसके साथ, ये नहीं कि हम केवल त्योहार मना लिए, मिठाई खा लिए तो प्रसन्न हो गए। इसी प्रकार हमारा रक्षाबंधन का यह पर्व है, यह अनादिकाल से चला आ रहा है। पहले हमारे जो यहाँ ऋषि मुनि हुआ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे, या अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते थे, उसके कल्याण की संभावना करते थे, उसका कल्याण हो, उसकी रक्षा हो, भगवान उसकी परमात्मा रक्षा करे। वही परंपरा बाद में आई महाभारत काल में, जो श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, तो उनके कहीं उंगली से खून बहने लगा, तो वही द्रौपदी खड़ी थी, उन्हें फट से अपना पलू फाड़ा और झट से उनके हाथ में उसमें उंगली में बांध दिया। इसको देख करके सुनने प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि जब भी कोई आपत्ति आप पर पड़ती है, उनको बहन बना लिया, कहा कि जब कोई भी आपत्ति आपको पड़ती है तो मैं आपकी मेरी याद कीजिएगा, मैं आपकी सहायता के लिए पहुंच जाया करूंगा। और देखिए चीरहरण हुआ, वहां पहुंचे, जब दुर्वासा जिसने परीक्षा लेनी चाहिए भूखे पास हजारों शिष्य लेकर पहुंच गए, वहां एक पद का साग खा करके सबकी भूख मिटा दी, हर जगह उनकी रक्षा करते रहे श्री कृष्ण। इसी तरह भाइयों को चाहिए अपने बहनों की रक्षा करें।